गरीब से गरीब घर में जन्मे हुए बालक से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनकर, प्रचारक बनकर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए कोई चुनाव लड़े बगैर सालों तक काम करने के बाद एक आदमी जब मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को और विश्व के सबसे महान देश को एक सच्ची दिशा में ले जाता है, तो मैं मानता हूं मित्रों, पूरी दुनिया नरेंद्र भाई के व्यक्तित्व को और नरेंद्र भाई के जीवन को जानने के लिए बेताब है, आतुर है। उसी समय ये पुस्तक प्रकाशित करने का जो निर्णय किया है, लिखने का जो निर्णय किया है, ये सर्वथा बहुत उचित है और पाठक जी को जितना साधुवाद दे उतना कम। 2014 के 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब बोल रहे थे लाल किले से, तो स्वच्छता शौचालय की बात की और कहा कि सारे स्कूलों में अगले साल शौचालय हो जाना चाहिए। यह भी कहा कि 2019 तक सभी घरों में शौचालय हो जाए, कोई खुले पर शौच न जाए। तो मुझे लगा कि ऐसा प्रधानमंत्री दूसरा को नहीं आया। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वच्छता शौचालय की बात की है। तो हमने उसी दिन तय किया कि महात्मा गांधी के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वच्छता को, शौचालय को गले से लगाया है और जहाँ जाते हैं देश में विदेश में वो शौचालय की बात करते ही करते हैं, स्वच्छता की बात करते ही करते हैं। इतना कमिटमेंट उनका है। इसी को सुन के हमने तय किया कि इन पर किताब लिखेंगे और किताब इतना बढ़िया है, जो लड़का किताब पढ़ेगा वो प्रधानमंत्री बने ना बने उस समकक्ष में जरूर पहुँचेगा। ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। ऐसा आदमी जो स्वयं स्वच्छता को इतना महत्व देता हो, इसलिए आज स्वच्छता का वातावरण देश में बन गया है। अब आगे कैसे किया जाए, कैसे देश साफ रखा जाए, वो तो आगे का विषय है, लेकिन एक वातावरण प्रधानमंत्री ने देश बना दिया कि हमें स्वच्छ रखना है, गंदा नहीं करना हमको।